Hello students, welcome back to your science class and today's science class. We will read about uses of air. First is air is needed for breathing. All living beings need air to breathe. Oxygen in the air is used by animals to produce energy. When we breathe in oxygen through our nose goes into the lungs. From there it is carried by the blood to every part of the body. ऑक्सीजन बर्न्स द फूड द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूज इन दिस प्रोसेस विच इज थ्रोन आउट फ्रॉम द लंग्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन चिल्ड्रन एज यू नो कि हमें सांस लेने के लिए एयर की नीड है ये सभी को पता है और हम क्या इनटेक करते हैं क्या अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और बाहर क्या निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वैन वी ब्रीथ इन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन जो नोज के थ्रू हमारे लंग्स तक जाती है और फिर लंग्स से ब्लड के थ्रू बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक जाती है ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ना कहीं भी चोट लगती है वहीं से ब्लड निकलता है दैट मीन्स ब्लड इज इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तो ऑक्सीजन भी इसी तरीके से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक जाती है ऑक्सीजन जो हम खाना खाते हैं उसको बर्न्स करने में हेल्प करती है उससे एनर्जी रिलीज करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है वो हम बाहर निकालते हैं लंग्स के थ्रू ही और इस प्रोसेस को बोलते हैं पूरे को रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज एयर कैरी साउंड एयर हेल्प्स अस टू लिसन टू द साउंड अराउंड अस विदाउट एयर द ड्रम वुड बीट बट यू वॉन्ट हियर इट इट इज बिकॉज साउंड नीड्स अ मीडियम टू रीच अस When you speak or clap, the air around you vibrates. These vibration reach your ears and your ears turn them into sound. Means, अगर air ना हो तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा अगर आप room में बैठे हैं ममा बाहर से आपको आवाज़ लगाती है तो आपको सुनाई देती है ना क्यों क्योंकि air है चारों तरफ Air एक medium है जो sound को carry करता है ना? आपने देखा होगा कि कुछ केबिन्स ऐसे होते हैं जिसमें जो एयर प्रूफ होते हैं वो नॉइस प्रूफ होते हैं उसमें क्या है एयर अंदर आर बाहर अंदर आ नहीं जा सकती इसलिए हमें बाहर की वॉइस सुनाई नहीं देती वैन वी ओपन द डोर तो देन वी कैन लिसन आउट द आउटसाइड नॉइस बिकॉज अगर हमने डोर ओपन करा तो एयर अंदर बाहर आई गई नेक्स्ट एयर प्रेशर इज इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ नेक्स्ट यूज है एयर का एयर प्रेशर एयर प्रेशर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आर डेली लाइफ मैनी थिंग्स लाइक सिरिंज, ड्रॉपर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड हैंडपम्प वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एयर प्रेशर एयर प्रेशर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि डॉक्टर की सीरेंज आप जानते हैं या होली पर जो पिचकारी इस्तेमाल करते हैं ड्रॉपर यूज़ करते हैं कोई भी मेडिसिन छोटे बच्चों को देने के लिए अगर आपने देखा होगा स्ट्रॉ यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक जूस पीने के लिए और हैंड हैंडपम्प सभी जानते हैं इनको ये सब किस पर प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं एयर प्रेशर अब नाउ सी एयर वन एक्टिविटीज गिवन रिलेटेड टू एयर प्रेशर मटेरियल्स क्या चाहिए ए स्ट्रॉ एंड अ ग्लास ऑफ वाटर प्रोसीजर टेक अ स्ट्रॉ फिल अ ग्लास विद वाटर सक द एयर इन स्ट्रॉ विद योर माउथ नाउ ब्लो आउट द एयर इन द स्ट्रॉ यू विल सी बबल्स ऑफ एयर इन वाटर अगर जब आप स्ट्रॉ से सक करते हैं तो एकदम से जूस या वाटर जो विच आर यू आर ड्रिंकिंग वो नहीं आता क्यों क्योंकि इसमें एयर होती है पहले आप उस एयर को सक करते हैं उसके बाद आपका जो भी लिक्विड है उसमें वो आपके स्ट्रॉ में ऊपर आता है ठीक है लेकिन अगर आप दोबारा से इस एयर को इसमें बिलो करते हैं तो आपको बबल्स दिखाई देते हैं ये बबल्स किस चीज के एयर की द वॉटर राइज अप इन द स्ट्रॉ एज द एयर प्रेशर द वाटर इज मोर देन द एयर प्रेशर प्रेजेंट इन द स्ट्रॉ दिस मूव द वॉटर अप इन योर माउथ और वाटर क्यों राइज अप होता है क्यों स्ट्रॉ में ऊपर चढ़ता है क्योंकि जो एयर प्रेशर है अबव द वॉटर वाटर के ऊपर वो ज्यादा है जो एयर स्ट्रो में अंदर प्रेजेंट है उससे इसी वजह से जो भी लिक्विड है वो स्ट्रॉ में मूवअप कर पाता है

नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट फॉर प्लांट्स इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग मैनी फर्टिलाइजर्स इसके अलावा एक तीसरी इंपॉर्टेंट गैस है नाइट्रोजन विच वी रीड इन एटमॉस्फेयर ऑल्सो सेवेंटी एट परसेंट है सबसे ज्यादा प्लांट्स इसका यूज करते हैं प्रोटीन्स बनाने में और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है नेक्स्ट इज एक्टिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एयर विच इज डिजोल्व इन वाटर एक्वेटिक मीन्स वाटर में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स कहाँ से एयर लेते हैं वाटर में डिजोल्व रहती है उससे विंड इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी इट इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड डू टू डू मैकेनिकल्स वर्कस विंड मिल आप सभी जानते होंगे विंड मिल से क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे कि आप मकेनिकल वर्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो दीज आर द यूज ऑफ एयर In next video we will start our next topic water so till then take care bye everyone